मिल गए रेंटल वाला। हाँ जी, तो इसलिए रेट को 6/12 कर दिया था। डेट्स डालें, डेट्स पेमेंट्स की। हाँ, तब 3/12 करेंगे अभी। हाँ जी, ट्यूबली वाला तो आई गेस 38 का सवाल था। चलिए ढूंढ के लाएं। खैरियत से? ये वैसे मैं देख रहा है, ये तो जो अकाउंट्स अकाउंट हैं, ये इंट्रो वालों को ही काफी आते होते हैं। पीआरसी के किसी बच्चे के पास बैठे थोड़ा टाइम निकाल के भी आ जाके, उनके पेपर हैं जिनका पास हो गया उनके पास चले जाएं। अच्छा जी, चलिए कोई नहीं, प्रैक्टिस करते हैं। कल बीवी अकाउंटिंग वालों के टैक्स वाले में डिफरेंस आ रहा था, परेशान बैठे थे, आज सुबह आते ही आपने चट चट करके फारा कर दिया था वो, तो इसलिए यका मार्च, मार्च अप्रैल मई, 31 मई को आप मेरे ख्याल से कैश पे करेंगे 200 × 20% × 3/12 10। जून जुलाई अगस्त, 31 अगस्त को आप फिर कैश पे करेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब मैं वो निकाल नहीं रहा, फिगर वही आनी है, 10। दिसंबर, जनवरी, फरवरी को जब आप पेमेंट करेंगे तो यका मार्च आ जाएगा, साल पूरा हो जाएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 28 फरवरी को जब पेमेंट करेंगे तो साल पूरा हो जाएगा, लेकिन वो पेमेंट तो अगले साल है। आप बता दें क्लोजिंग पेबल है या क्लोजिंग प्रीपेड है? पे फरवरी में होना है, दिसंबर जनवरी फरवरी वाला फरवरी में पे होना है ना, तो व्हाट इज दिस, 31 दिसंबर क्लोजिंग पेबल 200 × 1/3 हाथ खड़ा करें, 33.3 वाले, ओके गुड जी। हाइब्रिड में जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया था वो जरा हाथ खड़ा कर दें, शुक्रिया शुक्रिया। स्टार्ट किससे किया करेंगे? कैश, और एंड पे या तो क्लोजिंग, चलें अभी क्लोजिंग पेबल ही होगा, शुरू शुरू की क्लासे हैं, एंड पे क्लोजिंग पेबल आ गया, बैलेंसिंग फिगर विल बी पीएनएल। ओके, जब ये अकाउंट बन गया तो अब देखना ये है कि आईएफआरएस वालों ने पीएनएल में कितना डाला होगा, जरा देख के बता दें। ये अकाउंट मैंने आईएफआरएस वालों की नजर में बनाया है, टैक्स वालों का कोई अकाउंट नहीं बनाना आपने, टैक्स वालों का अकाउंट नहीं बनाना पेपर में, ये अकाउंट आईएफआरएस वालों की नजर में है। आप बता दें जी, अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चा बुक किया है? 1.5 महीने का इंटरेस्ट, टैक्स वालों से जरा पूछते हैं। अच्छा मुझे बताएं, खर्चा माइनस करना, इसके लिए एक मुश्किल से लफ्ज बोले, नहीं डिडक्शन तो आसान लफ्ज है, खर्चा माइनस करना डिडक्शन तो आसान लफ्ज है, टैक्स रिलीफ, टैक्स रिलीफ, खर्चा माइनस करने के लिए एक लफ्ज पड़ा था कल, टैक्स रिलीफ। एज्यूम दैट, यार हमादा क्या कर रहा है, एज्यूम दैट, अच्छा मुझे बताएं अगर इनकम हो तो भी तो रिलीफ का लफ्ज यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां इनकम माफ हो रही होगी, और खर्चे के लिए रिलीफ का मतलब क्या है, माइनस करने की इजाजत है, जब खर्चे माइनस करने की इजाजत होगी तो प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। एज्यूम दैट, फिर कभी ये लफ्ज मैं दोबारा बता दूंगा, मैंने बोला है कि मैंने ये बोला है कि इनकम के लिए अगर रिलीफ का लफ्ज यूज करे तो शायद वो एग्जेम्प्ट होगी, मुंह हिला दें, इनकम के लिए अगर रिलीफ का लफ्ज बोले शायद वो माफ होगी,
अगर खर्चे के लिए रिलीफ का लफ्ज बोले तो नॉट अलाउड करेगा तो हमारी तो जान निकलेगी, नॉट अलाउड फाइन वगैरह ऐड होती है, वो तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो शायद खर्चे के लिए अगर रिलीफ का लफ्ज यूज करे तो ये तो डिडक्शन होगी। एज्यूम टैक्स वाले इंटरेस्ट के खर्चे को माइनस करने देंगे जब वो पे हो, चांद पे ले गया, जब वो पे हो गए। आप मुझे बताएं अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चा बुक किया, बिल्कुल ग्रेचुटी अकाउंट की तरह। खर्चे को उल्टाकर एज्यूम दैट टैक्स बेनिफिट इज गिवन व्हेन द पेमेंट इज, खर्चे को उल्टाकर पेमेंट को जिस तरह ग्रेचुटी अकाउंट में किया था। यहां क्या लिखूं, यहां क्या लिखूं, जबरदस्त इंटरेस्ट पेड। खर्चे को उल्टाएं, पेमेंट को रिकॉर्ड करें। स्टूडेंट कर लेंगे फिर, अभी सबर कर जो, ये सवाल जरा मुका लेने दो। ओके एज्यूम टैक्स वाले खर्चे को माइनस करने देंगे, रिलीफ का मतलब लिख लेना, मैंने बता दिया डिडक्शन। एज्यूम टैक्स वाले डिडक्शन रिकॉर्ड करने देंगे जब कभी खर्चा पे करेंगे। अच्छा अब एक सीन है, मुझे डेफर टैक्स भी साथ ही निकलवा दें। अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बनाई यार, वो तो बनानी आती है। अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट, अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट, ये कैरी डाउन है। अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट, नाम नहीं, पेएबल नहीं यार, पेएबल, पेड नहीं, पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल। तो कितना, 0.5। टैक्स वालों की बैलेंस शीट, टैक्स वालों की बैलेंस शीट, टैक्स वाले आपको ऐसी दुनिया में ले गए हैं जहां पर चार अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करते। ये जो चार आपको नजर आ रहे हैं, फोर अकाउंट डज नॉट, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मे बी वो एक रूल अकाउंटिंग फॉलो करें, अगर वो करेंगे तो फिर चार अकाउंट एग्जिस्ट करेंगे। तो अभी हम किस दुनिया में चले गए हैं, लाइन के ऊपर देखें बस। तो बता दें चांद की दुनिया में ये चार अकाउंट एग्जिस्ट, तो टैक्स बेस ग्रेचुटी पेएबल की तरह जीरो। जी ठीक है, पॉज कर देंगे। अब टैक्सेबल या डिडक्टेबल आप मुझे बता दें। मैं इस अकाउंट को ना जरा खोलता हूं दोबारा, 2011 के लिए। ये ओपनिंग पेबल हो जाएगा, ये ओपनिंग पेबल हो जाएगा, ये ओपनिंग पेबल कभी ना कभी तो पे होगा। जब ये पे होगा तो टैक्स वाले कहेंगे इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन व्हेन पेड। ठीक है, तो आप बोलें जी इस पेबल ने फ्यूचर में, आप फ्यूचर को सोचा करें, वैसे आप लोग सोचते नहीं, फ्यूचर को सोचा करें, ये पेबल कभी ना कभी जब पे होगा तो टैक्स वाले अपने मुंह से क्या फूल झड़ेंगे, ओह वेल गाइस इट इज अलाउड द डिडक्शन बिकॉज़ इट इज पेड। तो टैक्स वाले कहेंगे हम आपको माइनस करने देंगे जब कभी पे होगा। तो रेड शर्ट क्या मैं कह सकता हूं इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर? वैसे ये रूल मेरे ख्याल से तीसरा है, अगर अटा शटा कोई चला रहा है गलती से, ये तीसरा रूल है। लिखें छोटा सा डीटीडी पे स्टार लगा के, ये पेएबल जब पे होगा तो डिडक्ट होने की वजह से इसे डिडक्टेबल कह रहे हैं। ये पेएबल जब पे होगा तो करंट टैक्स में डिडक्ट होगा, ये पेएबल जब पे होगा
तो करंट टैक्स में डिडक्ट होगा। दानिश होगा या हो गया? होगा। तो डिडक्टेड या डिडक्टेबल? डिडक्टेबल। दिस पॉइंट 5 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर व्हेन पेड, तो डिडक्ट होगा टैक्स वाले इंशाल्लाह अगले साल। वैसे तो टैक्स वाले ने मरा, इधर देख पठान नहीं, लेकिन इधर देखो मुझे तो टैक्स वाले ने इस साल कितना माइनस करने दिया, 1.5 में से 1, बाकी आधा अगले साल माइनस करने देंगे, तो इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर, फ्यूचर में सेविंग होनी है इंशाल्लाह। अब यार क्या लॉजिक पेपर में इसलिए ना चले आपको फील हो रहा है कि अभी टॉपिक शुरू हुए में चौथा पांचवा दिन हुआ है, तो ये आप नहीं, टॉपिक पूरा भी हो जाए तो ना आपके साथ हो तो आपके साथ मसला है, इट इज नॉट द प्रॉब्लम विद मी एटलीस्ट। क्यों दिमाग ना चले तो वो चार रूल अपनी जगह हैं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, वहां रूल्स भी लग रहे होंगे, फिर भी मैं कह रहा हूंगा ना लगाओ। फिर आप सोचेंगे कि मैं पहले से जरा लेक्चर लेना शुरू कर देता हूं, मैं तो लॉजिक सोचते हुए मैं तो दिमाग बंद कर दिया करता था अपना। हाँ ऐसा होगा, दो एडजस्टमेंट्स ऐसी आनी है जिनमें वो रूल फेल हो जाएंगे, फिर हमें जो है वो अकल ही वहां लगानी पड़ेगी, तो इसलिए अकल पे रहें। अच्छा चलें जी, उसका भी आपने कुछ जुगाड़ निकाल लेना है। अब आप ऐसा करें, पॉइंट 4 सामने, हाँ ये लोन भी बैलेंस शीट में जाता है 25 मिलियन, मुझे पता है, लेकिन इसकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर होती है, ये कभी क्लास में डिस्कस करेंगे, लोन का प्रिंसिपल भी बैलेंस शीट में जाता है, छोड़ें। इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट बना दें, इंटरेस्ट इनकम का पॉइंट 4 पढ़ के, अच्छा छोड़ो 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 छोड़ो, टैक्स वाले भी कहते हैं लोन पेबल है, कोई मसला नहीं है, लोन ही है, लोन को तो लोन ही मानते हैं, प्रिंसिपल लोन, प्रिंसिपल लोन के प्रिंसिपल पे बात कर लेंगे कभी, अभी आज इंटरेस्ट पे डिस्कशन है, ज्यादा डिस्कशन एक वक्त ना खोले, जहां दिमाग चला रहे हैं इस वक्त वहां चलाएं। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, बैंक में पैसे रखे या फिर उधार लिए? रखे। गैलेक्सी इन्वेस्टेड 20 मिलियन एज अ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट करा दिए पैसे, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पा पा मा मा पर एनम, पर एनम इज रिसीवेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। अच्छा ये कुछ बच्चे ना क्लास के बाद आके अजीब बोंगी मारते हैं, वो कहते हैं सर ये 9 मंथ्स का सारा ही रिसीवेबल है, मैं कहता हूं क्यों, वो कहते हैं देखें लिखा हुआ है रिसीवेबल ऑन 30 सितंबर एंड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च, यानी हमेशा ही रिसीवेबल। ओ भाई वो रेंट एग्रीमेंट जब ड्राफ्ट हो रहा होता है या लोन एग्रीमेंट, तब लफ्ज़ लिखा जाता है कि ये रिसीवेबल इन तारीखों में हुआ करेगा। अब मैं आपको घर किराए पे दूं और मैं आपको कहूं रेंट इज रिसीवेबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ, आप कहें भाईजान आपने कहा था रिसीवेबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो 12 महीने का रिसीवेबल बुक कर लें, आप जाएं पड़े 12 महीने में आपको किराया नहीं दूंगा, रिसीवेबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ, रिसीवेबल अगले महीने रिसीवेबल। ये जो लाइनें होती है ना, ये एग्रीमेंट लिखा हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है कि 15% इंटरेस्ट होगा साल का, और वो जो 15% साल का इंटरेस्ट होगा 30 सितंबर को रिसीवेबल होगा इतना और 31 मार्च को रिसीवेबल होगा इतना, इट मींस कि इन दिनों में भी रिसीवेबल ही रहेगा, या रिसीवेबल इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि रिसीव होगा, रिसीव इन दिनों को हुआ करेगा। अच्छा लकीली डेटा तो वही बन गया ऑलमोस्ट, क्योंकि जगह अप्रैल ही है, तो उधार किस दिन दिया बैंक को हमने, 1 अप्रैल को, पहली दफा हमने इनकम कब कमाई, 30 सितंबर को, अगली दफा हम इनका सॉरी रिसीव की, रिसीव की कमाई भी, अगली दफा हम रिसीव कब करेंगे, 31 मार्च को। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि सबसे पहले मैं कैश से शुरू करूंगा, कहां से शुरू करूंगा, कैश से, और अकाउंट कौन सा बनाऊंगा, एक्सपेंस का या इनकम का, कैश से शुरू करके जीयर एंड पे देखूंगा कि ज्यादा रिसीव हो गया या अभी तक रिसीवेबल है, और एंड पे फिगर क्या निकाल लूंगा, बैलेंसिंग। कंट्रोल एन, नई शीट खुल गई, चलें वर्किंग नंबर, इंटरेस्ट इनकम,
कैश की फिगरें ढूंढें, कैश की फिगरें, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम 30 सितंबर, कितना इन्वेस्टमेंट की, कितना इंटरेस्ट साल का, ये रिसीव हो गया। अप्रैल से सितंबर का सितंबर में मिला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च का मार्च में मिलेगा, तो यहां खड़े होके 3 महीने का मिलेबल, 3 महीने का मिलेबल। रिसीवेबल्स की साइड सोच लेते हैं, पता नहीं मुझे तो भूल गई भी है। ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, बल बल 31 सितंबर 10 क्लोजिंग रिसीवेबल। अच्छा ये इधर पीएनएल इधर आता है, कैश साइड पे आएगा, इधर इनकम अकाउंट्स में, उधर पीएनएल की फिगर आएगी 2.25। अब देखते हैं कि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग चला रहे हैं। ये मैंने अकाउंट फिलहाल इनके मुताबिक बनाया है, IFRS वालों के मुताबिक। अच्छा बात करने के ना दो तरीके हैं, एक है परेशान करने वाला तरीका, एक है आसान तरीका। आपने भाई को फोन किया, जब तक मैं ना आ जाऊं तूने क्रिकेट खेलने नहीं जाना। भाई ने थोड़ी देर बाद फोन किया, आपने क्या कहा था, आपने कहा मैंने कहा था कि मैं आ जाऊंगा तो खेलने चले जाना। तो भाई ने कहा दो ना बीच में जरूर लगाने थे। पहला फिक्र मेरा सुने, जब तक मैं ना आ जाऊं घर तूने क्रिकेट खेलने नहीं जाना। भाई सोचता रहा, उर्दू उसकी कमजोर थी। थोड़ी देर बाद फोन आया, आपने कुछ कहा था, क्या कहा था आपने, उसको आसान किया, आपने कहा जब मैं आ जाऊं ना तो क्रिकेट खेलने चले जाना। अब भाई की भी एक अप्लाई हुई, भाई ने कहा तो पहले दो ना क्यों लगाए थे। समझ आ गई इन दोनों बातों का मतलब क्या है, एक ही है। पहली बात क्या है, जब तक मैं ना आ जाऊं तुम क्रिकेट खेलने ना जाना, और दूसरी बात यानी जब मैं आ जाऊं तो तुम चले जाना। डन। अब देखें ये बोंगी की बोंगी देखें, इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स ना लगाना, ना लगाना जब तक के कैश मिल ना जाए, तो चाचे जब मिल जाए तो लगा देना। पढ़ें दोबारा, इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स ना लगाना जब तक मिल ना जाए, तो आगे लिखें जब मिल जाएगा तब लगा देंगे, जब मिल जाएगा तब लगा देंगे। क्या जब मिल जाए, मिल जाएगा जब लगा देंगे, जब मिल जाएगा तो टैक्स लगा देंगे, जब मिल जाएगा तो टैक्स लगा देंगे। जी बोलो तो भाई, एक्सपेंस और इनकम, तो हाँ जी, तो आप फिर इसका नाम रिसीवेबल और पेबल रख लो, इस तरह भी नाम चलते हैं कोई, लेकिन आपको मैं ऐसी किताबें दिखा सकता हूं जिसमें इस तरह भी नाम चल रहे हैं, हाइब्रिड टाइप अकाउंट समझ लो इसको। अच्छा आप मेरे ख्याल से ना सिर्फ इस बात का मतलब मुझे बता दें कि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, जब मिल जाएगा तो टैक्स लगा देना, ये कौन सी अकाउंटिंग है, कैश अकाउंटिंग। इधर भी आप टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। अकाउंटिंग वालों ने इनकम में क्या डाला हुआ है, इसको उल्टाएं, इसकी जगह क्या रिकॉर्ड करें, इनकम्स कैसे उल्टाई जा सकती हैं, इनकम्स लेस करके उल्टाई जाएंगी। चुप चुप भाई चुप, इंटरेस्ट इनकम उल्टा दें, इनकम उल्टाकर रिसीट ऐड कर दें, इंटरेस्ट इनकम विल बी टैक्स्ड, विल बी आउट ऑफ डिडक्शन नहीं, वो तो खर्चों के लिए लॉस होता है,
इंटरेस्ट इनकम इज टैक्स्ड व्हेन रिसीव्ड, इट इज टैक्स्ड, तो ऐड कर दूं, इट इज टैक्स्ड व्हेन रिसीव, 1 पॉइंट इंटरेस्ट रिसीव्ड। अच्छा वैसे हमने कितनी इनकम रिकॉर्ड की थी, 2.25। उन्होंने हमसे टैक्स किस पे मांगा है, भाई इतने अच्छे नहीं, आइंदा हमारी जान भी लेंगे मुझे लग रहा है। अब किस पी अकाउंट का कैरी डाउन बताएं, अकाउंटिंग की क्लास में पीआरसी वाले से जब जाके पूछ लीजिएगा, ये बैलेंस शीट में जाती है चीज। जीरो पॉइंट सेवन फाइव बैलेंस शीट में ले जाए, ये मार्क्स लें कैरिंग अमाउंट लिखने के, इंटरेस्ट कितना 0.75। टैक्स वाले आपको किस दुनिया में ले गए हैं, कैश अकाउंटिंग की दुनिया में। जब टैक्स वाले आपको कैश अकाउंटिंग की दुनिया में ले जाएं, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, ये चार अकाउंट रिसीवेबल पेएबल टाइप एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते ये अकाउंट्स तो उनकी नजर में रिसीवेबल पेएबल है ही नहीं। मैं आपको तंग करने के लिए कभी कभी टैक्स वालों का अकाउंट बना के दिखा देता हूं, कभी कभी तंग करने के लिए। टैक्स वाले कहेंगे इट इज टेकन टू इनकम व्हेन रिसीव्ड, यानी 1.5 इधर लिखेंगे, 1.5 इधर लिखेंगे, और वो कैरी डाउन जीरो निकाल लेंगे, लेकिन इस तरह अकाउंट नहीं बनाना कभी उनका। बता दें जी, जब भी टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तो टैक्स वालों की बैलेंस शीट में क्या जाएगा, जीरो, क्योंकि टैक्स वालों की दुनिया में रिसीवेबल अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करते। ये रिसीवेबल कभी ना कभी, आज तेरी अकल की गरारियां इधर होनी चाहिए आज, ये रिसीवेबल कभी ना कभी, जब कभी रिसीव होगा तो तब ये टैक्स लगेगा, यानी ऐड होगा, ऐड होने से प्रॉफिट बढ़ेंगे तो टैक्सेबल इन फ्यूचर। दोबारा सोच, ये रिसीवेबल कभी ना कभी, जब ये रिसीव होगा तो, रिसीव होगा तो करंट टैक्स की वर्किंग में ऐड होगा, क्योंकि रिसीव होने पे इनकम में ऐड होगा, ऐड होने के जैसे प्रॉफिट्स फ्यूचर में, तो इट इज टैक्सेबल इन फ्यूचर। रूल नंबर वन है, वैसे रूल नंबर वन है एसेट वाला, चलें जी। आज ना मेरा एक मशवरा है कि टीटीडीज को ना प्लस साइन के साथ लिख लिया करें, और डीटीडीज को लेटर पे ना माइनस साइन के साथ लिख लिया करें, एंड पे अगर जवाब पॉजिटिव आ जाए ना तो टीटीडी उसको करवा दिया करें। बस वो जो वर्सेस वाली कैलकुलेशन बड़ा टाइम लगा करेगा उसमें, कैलकुलेटर पकड़े प्लस 21 लिखें, प्लस माइनस की लॉजिक कोई नहीं है, नाम इनके टीटीडी डीटीडी है, लेकिन खैर है, प्लस टीटीडी के लिए प्लस साइन चूज कर लें, प्लस 21 माइनस 0.5 प्लस 0.75, प्लस से जवाब आ रहा है 21.5। टीटी के बेटे का नाम जी थी, आप माशाल्लाह आपके यहां जीटीएल हुआ है, टीटी के बेटे का नाम जीटीएल, जीटीएल वल टीटी जी, 7.44 पाउंड का। ये एज ऑन टाइप चीजें हैं, देखें सीए के लिए कितनी एफर्ट हो रही है। आप किस शहर से आए हो, ग्रे शर्ट लाहौर से, ननकाना वाले लाहौर वालों को समझा रहे हैं, लाहौर वाले ननकाना वालों को समझा रहे हैं, सही एफर्ट हो रही है, दूर दूर के इलाकों से लोग आके एक दूसरे को समझा रहे हैं। ओके मैं लाहौर से, सरगोधा। ओके पॉइंट नंबर 5, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी ऑन यकम जनवरी 10 इज 10 पॉइंट। मरहबा मरहबा जी आया नो जी आया नो, पिछले सवाल में तुसी किथे सी, पिछले सवाल में तो नहीं था तू, आज आया, आज तेरी कदर दिल में आई, तू तो खुद अवेलेबल है, कल तो हमें निकालना पड़ा था कुएं में से, आज तू खुद अवेलेबल है। प्रोटोकॉल, इज्जत दें इसको। चलें जी, आप मोहतरम डीटीएल का अकाउंट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है, कैमरा उधर करके बताओ क्लोजिंग बैलेंस भी क्या है,
डीटीएल, डीटीएल क्लोजिंग बैलेंस भी डीटीएल, ओपनिंग बैलेंस भी डीटीएल, इसे कहते हैं लुट मच गई डीटीएल की, डीटीएल डीटीएल हो गई वर्किंग डीटीएल है, डीटीएल है। हाँ, वर्किंग नंबर 7, यकम जनवरी 10 क्वेश्चन में दिया हुआ ब्रॉड डाउन 10.5। वाह 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 वाह, मरहबा मरहबा मरहबा। वो 10.5 को ही जिस बात ने गायब कर दिया, हारों में बंदे ही नहीं नजर आ रहा होता कि दवा इतने हार बना देते हैं। अच्छा, 31-12-10 नोटों के हार ना पहनिए अपनी शादी पे, अजीब से लगते हैं। 31-12-10 कैरी डाउन, नहीं मैंने नहीं पहना था नोटों हारा, कैरी डाउन 7.44। वर्किंग नंबर 7.44। वो कह रहे हैं पहनाया भी तो 10 रुपए वाला पहनाना, इसलिए बेहतर है ना ही पहनाया। अच्छा, बैलेंसिंग फिगर निकालने, बैलेंसिंग फिगर 3.7 डेबिट साइड से। ये फॉर द ईयर टाइप चीज है या एज ऑन टाइप चीज है? फॉर द ईयर टाइप। एक अजीब, ना ना ना, उस क्लास में नहीं जाना, अभी क्लास चल रही है, बैठ जाए ना। अब तो एडमिशन लिया तो ये कुर्बानी तो करनी पड़ेगी, बहुत मजबूरी है तो फिर चले जाए, अब क्या हो सकता है, जाएं बहुत, लेकिन कल से फिर इंश्योर करें। अच्छा, अब मोहतरम मुझे ये बताएं, एक चीज आने वाले दिनों में आनी है और उसकी तैयारी अभी से कर लें, लॉजिक शॉजिक अभी ना पूछें, वो ये वाली फिगर भी पता चल जाया करेगा सही है या गलत है। अच्छा, आई गेस 12 बनाने वालों के लिए तालियां आपने बजाई, बस भाई खामोश हो जाओ। 208.75। अच्छा, एक मिनट, इस फिगर पर रेट मैं लगाने को नहीं कह रहा, मैं आज आपको बताने लगा हूं डीटीई भी पता चल जाया करेगा सही आया या नहीं। कैलकुलेटर पे इन दोनों का डिफरेंस ना लें, वैसे ही नजर आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस बताएं 8.7। ये अकाउंटिंग वालों और टैक्स वालों में फॉर द ईयर डिफरेंस है, ये अकाउंटिंग वालों और टैक्स वालों में फॉर द ईयर डिफरेंस है, और ये एज ऑन। फॉर द ईयर डिफरेंस कितना है? 8.7। कैलकुलेटर पे लिखें 8.75, मल्टीप्लाई का बटन दबाएं और मल्टीप्लाई का बटन दबाकर टैक्स रेट लगाएं 3.0। अच्छा, तो भाईजान रिकॉर्डिंग हो रही है, प्रिंसिपल साहब ने देख लेना, मार्कर दूसरा। अच्छा जी, यार आप हजरात ना, अब एक बड़ा पुराना वाकया था, मैंने छुपा के रखा हुआ था, आज मैं मजबूर हो गया हूं बताने पर, ठीक है, बड़े अरसे का छुपा के रखा हुआ था। क्लास के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप, ये पिछले सेशन पे मैं गया था उमरे पे, ईद पे, तो एक रात मदीना मुनव्वरा स्टे किया था, एक रात मक्का मुकर्रमा स्टे किया, और फिर अगली रात जो है, छोटी ईद थी तो ईद के दिनों में, अगली रात की हमारी फ्लाइट थी, तो ये 2 दिन का था सिर्फ। तो अब वो जो तीसरी रात थी, जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो तकरीबन 1 बजे हम पहुंच गए थे, लेकिन किसी वजह से उन्होंने एयरपोर्ट के दरवाजे एंट्रेंस के सारे बंद कर दिए, तो ऑब्वियसली अब अगले दिन आके क्लास भी लेनी थी। तो फिर 1 बजे से लेके अगले दिन 12 बजे तक हम नॉन स्टॉप वहां खड़े रहे कि काश दरवाजे खुल जाएं। फ्लाइट बाद में पता चला बीच में 5 बजे उड़ चुकी थी, तो दोपहर तक हम खड़े रहे और बाहर से तो पता भी नहीं चल रहा था, और पूरे दिन में सिर्फ एक चीज़ थी मिलने वाली, वो पानी था, पानी के अलावा और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी। फिर मैं सरभट्टी को फ़ोन किया, वो जद्दा से आए कुछ लोगों के लिए खाने पीने के लिए, तो ये 500 के करीब लोग थे, उसमें से 2-3 की डेथ भी हो गई थी, क्योंकि धूप थी, शदीद धूप थी, तो 2-3 की डेथ भी हो गई थी। लेकिन एक ऑप्शन अब मेरे पास ये थी कि मैं चला जाता वहाँ से, जब भी कभी फ्लाइट मिलती आ जाता, ये बड़ा आसान काम था। लेकिन दूसरी ऑप्शन ये थी कि वहाँ पे खड़े रहें और फ्लाइट का इंतजार करें और जो है वो क्लास लेने के लिए आ जाएं।
तो इसलिए मेरे भाई जब आप लोगों से ये सुनने को मिलता है ना कि आप लोगों ने छुट्टी कर ली, तो कोई एक्सक्यूज, कोई रीजन, कोई वजह पता नहीं चलती। और अजीब आप लोगों की हरकतें, और मेरी फैमिली मेरे साथ थी, तो अजीब आप लोगों की हरकतें हैं कि आप लोग छोटी छोटी वजह से कभी एक छुट्टी कर रहा होता है, कभी दूसरा छुट्टी कर रहा होता है, कभी कोई इधर जा रहा होता है, कभी कोई इधर आ रहा होता है, तो शदीद दुख होता है, शदीद दुख होता है। और टेस्ट जब आप छोड़ देना, फिर तो दिल चाहता है बंदा आपको चपेड़े मारे। तो मेरे भाई नहीं, अब इसमें तालियों वाली कोई बात नहीं है। नोट बनाए, नोट, टैक्स कैलकुलेट, टैक्स कैलकुलेट करें, टैक्स टैक्स टैक्स। तू क्यों बैग बंद करे, चपेट की बात इसलिए सुनाई थी कि तू बैग बंद करके जा। टैक्स बताए, टैक्स टैक्स। तू भी खड़ा हो जा गैर मुजना मुद्दत के लिए, तू भी खड़ा हो जा। ये 1.5 महीना घर रह के आए हैं, खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। सजा ये है कि तेरी ऐनक उतारी जाएगी और इसको पहनाई जाएगी। सजा ये है, उतारो ऐनक। दोनों की सजाए, दोनों की सजाए, देखो ऐनक सही तरह लगाओ, देखो। इतनी देर में तो नुकसान नहीं होगा इसको, हो जाते आई साइड पे फर्क पड़ जाते इतनी देर में, तो वापस कर दो। वो कहने इतनी, नहीं नहीं वो कह रहे नहीं पड़ता इतनी देर में, पहनो 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 पहनो। अच्छा जी, करंट टैक्स बता दें कितने, 73.06। बैठे 73.06। अब सवाल ये राइज होगा कि ये हमारे सिटी में चला जाएगा और ये हमारे डीटी में चला जाएगा। आपकी सिक्स सेंस क्या कह रही है, रिकॉन्सिलिएशन में क्या आना है? ना कोई रेट चेंज है, ना कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, ना कोई डिडक्शन। इनकम्स एग्जेम्प्ट है या मिलने पे टैक्स लग जाएंगी? खर्चे नॉट अलाउड है या पेमेंट पे माइनस हो जाएंगे? तो आरजी से फर्क है या परमानेंट किस्म के, परमानेंट किस्म के फर्क है आरजी से, जल्दी बताएं। आरजी से फर्क है, तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि रिकॉन्सिलिएशन में रिकंसाइलिंग आइटम कोई नहीं होगा। अच्छा जी, नोट, अब मैं तफसील में नहीं जा रहा चीजों की। सीटी, अच्छा खर्चा कितना, 73.06। खर्चा या खर्चा उल्टाना है, लायबिलिटी डेबिट और खर्चा क्रेडिट। क्रेडिट मींस, अब ना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो माजरत, मैं ना पिछले सेशन में इसको माइनस में लिखता था, इस वजह से वो मैंने लिख दिया माजरत, अब मैं प्लस में लिखता हूं। अच्छा मुझे एंट्रीज जल्दी जल्दी से बता दें। सीटीई डेबिट, सीटीपी क्रेडिट, 73.06। ना डीटीई डेबिट नहीं, डीटीएल डेबिट, डीटीई क्रेडिट। आज एक बात और सुन लें, मैंने 200 कमाया है, 208 पे टैक्स दे दिया है, इसलिए मैं एंटाइटल्ड फील कर रहा हूं, खुशी फील कर रहा हूं, फ्यूचर में मुझे टैक्स सेव होगा। वो जो एक 3.06 शॉर्टकट निकाल के दिखाया ना, उसी रिदम में मैंने एक बात आज कर दी है जो आज तक आपसे कभी नहीं की थी। लेकिन इस तरह सोचना नहीं, अभी आपने फिर कभी सोचेंगे, फिर कभी सोचेंगे। पहली क्लास याद आ रही है, 200 सवाल होमवर्क में मिले, 208 करके सो गए, तो खर्चा बुक करें या एंटाइटल्ड फील करें? शायद ये इनकम या खुशी टाइप कोई चीज बन रही है, लेकिन छोड़े परे, हम तो डेफर टैक्स के टी अकाउंट को यूज करेंगे। अभी हमारे शुरू के दिन है, डेफर टैक्स के टी अकाउंट को यूज करेंगे। बोलें जी, 3.06। होमवर्क में आपने सवाल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 4, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 4, शाकिर वाला है। बोले जी, 70। आगे जी, रिकॉन्सिलिएशन। बोले 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 बोले, पीबीटी रेट, हेप हेप फोर रे, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कह के जाएं बस, नोट एली हो गया। आपको भी एक चाहिए था, या पहले आप दोनों तो वापस करो ना। साथ वाले को कहां लेके जा रहे हैं, मस्जिद, मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे हैं, पैदल। पास पेपर क्वेश्चन 4, पास पेपर क्वेश्चन 4, पुराने पर्चे क्वेश्चन 4। मड़ा उठ जाना, आप क्या कर रहे, तो उधर आबा, अच्छा टोटल कर रहे, कर ले, कैमरा उधर ही रखो, बच्चों ने पिक लेनी है, आप जाओ 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 जाओ।
इसका कहाँ है भाई, ये सूख जाएगा जल्दी। दूसरा भी चलो अपने बैग में रख लो, ये 6 मार्क करने कभी दे देना जरूरत पड़ी तो।